दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अध्याय में चर्चा किया था, कलयुग का आयु 4,32,000 सालों से घटकर केवल 5,000 साल ही हो गए। इसका कारण है अत्यधिक पाप कर्म, असत्य एवं अधर्म। चाहे गोमाता की हत्या हो, चाहे नारियों के ऊपर अत्याचार, चाहे जानवरों को मार के उनके मांस का सेवन करना हो, धार्मिक स्थलों में कुकर्म करना हो, ऐसे अनेकों पाप कर्मों के कारण कलयुग का आयु घटकर केवल 5,000 साल ही हो गए। इस 5,000 सालों के बाद आता है 100 सालों का प्रातःकाल एवं 100 सालों का संध्या काल। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंच सखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के महान एवं दिव्य संत गुरु पंच सखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका के ऊपर चर्चा करते रहता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, क्योंकि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इन वीडियोस के माध्यम से, ये हमारे समाज में एक बदलाव के लिए है। जैसा कि आपने एपिसोड 1 सुना होगा और आज का एपिसोड सुन रहे हैं, मैंने बहुत बदलाव लाया है ताकि आपको आसानी से सब समझ आए। आज अगर थोड़े अच्छे वॉइस क्वालिटी में वीडियोस बना पा रहा हूँ, वो भी आप ही का देन है। पहले ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करते करते रात के 11 या फिर 12 बज जाते थे, क्योंकि एक वीडियो 2 GB, कभी कभी 6 GB साइज का हो जाता है, इंटरनेट खत्म हो जाता है। आज 9, 9:30 के अंदर अपलोड हो जाता है, वो भी आप लोगों का ही देन है। ये परिवार आपका है, हर एक सब्सक्राइबर इस परिवार का सदस्य है। मैं केवल माध्यम मात्र हूँ आप सबको एकत्रित करने के लिए। कुछ सदस्य मेंबरशिप भी ज्वाइन करते हैं, उनसे भी बहुत मदद मिलती है। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम सब मिलकर इस बड़े से समाज में एक छोटा सा बदलाव ला पाए। तो दोस्तों, हमने चर्चा किया कलयुग के आयु के बारे में। इसके अलावा पूरा कलयुग 5 भागों में डिवाइडेड है। त्रेता कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली एवं सत्य कली। इस बार हम जो कलयुग भोग कर रहे हैं वो सामान्य कलयुग नहीं है। इससे पहले 52 कलयुग जा चुके हैं और इस बार 4 युगों का लीला एक साथ होगा, और उसके साथ साथ अनंत यानी बलदेव राजा हुए हैं। नॉर्मल कलयुग में, सामान्य कलयुग में बलदेव राजा नहीं बनते, और नॉर्मल कलयुग, सामान्य कलयुग में महाप्रलय नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खंड प्रलय होता है। तो दोस्तों, अब कलयुग के 5 भाग को सामान्य साधारण भाषा में समझते हैं। पहला भाग है त्रेता कली, जिसमें 5 भाग से 1 भाग कली का एवं 4 भाग धर्म का। फिर आया द्वापर कली, जिसमें 5 भाग से 2 भाग कली का एवं 3 भाग धर्म का। फिर आया घोर कली, जिसमें 5 भाग से 3 भाग कली
कली का एवं दो भाग बचे धर्म का। फिर आया अनंत कली, जिसमें पांच भाग से चार भाग कली का एवं सिर्फ एक भाग धर्म का। अभी हम 2022 में पहुंच चुके हैं अनंत कली के अंतिम समय में, यानी पांच भाग से 4.5 भाग कली का, 4.5 भाग कली का एवं सिर्फ 0.5 यानी 0.5 भाग बचा धर्म का। फिर 2025 से 26 के बीच में आरंभ होगा सत्य कली, यानी पूरा चक्र उल्टा हो जाएगा, पूरा स्थिति उल्टा हो जाएगी। यानी सत्य कलयुग में पांच भाग में से कली का भाग होगा 0.5 यानी 0.5 एवं धर्म का होगा 4.5 यानी 4.5। 2025-26 के बीच में एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य रात में नींद में सोएगा और जब सुबह उठेगा तो सब परिवर्तन हो चुका होगा, यानी टोटल ब्रेन वॉश। कोई पाप नहीं कर पाएगा, सब लोग सत्य का पालन करेंगे, सब लोग धर्म का पालन करेंगे, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई नशा भी नहीं करेगा, लोभ मोह ईर्ष्या घमंड का अंत हो जाएगा। अभी 2022 में अगर रास्ते के ऊपर हीरा मोती सोना पड़ा होगा तो सब अपने अंदर झगड़ा मारपीट करके उसको लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन सत्यकली में अगर रास्ते पर हीरा मोती सोना पड़ा होगा तो सब आश्चर्य से देखेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे ये क्या चीज़ है, किसका गिरा हुआ है, और नज़रअंदाज करके चले जाएंगे। सत्यकली में सिर्फ एक ही कर्म महत्वपूर्ण होगा, वो है भक्ति और ब्रह्म ज्ञान। खाने के लिए भरपूर फल सब्जी होगा, पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, ना रोग होगा ना कोई बीमारी। आप लोगों को ये कोई सुंदर कहानी लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। फिर सत्य कली धीरे धीरे आगे जाके प्रवेश करेगा पूर्ण सतयुग में। इसीलिए अपने आप को परिवर्तन कीजिए अभी से, ताकि आप सत्य कली का अनुभव कर सके। चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रकाशित महामंत्र का जप कीजिए, सत्य का पालन कीजिए, इस युग परिवर्तन को ग्रहण कीजिए। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। अच्युतं गुलगनाथं साक्षात् विष्णुरूपकं कलियुगे विहरं च अष्टगुजरी प्रकाशितं भवविनोदिया ठाकुरा भक्ताबाश्चालहरि भक्तं कपाई काले बरा दशामूर्ति धरि भक्त तुम्हारा की करिबा भक्त बोलारि था भक्त पिसिला हस्तिना को दूता पण रे जा भक्त दिखाइला स्तंभ को स्तंभ हेला उदिता
भृत्यरा भृत्या पारी भृत्या भणी दीनाच्युता विषयार सारे मजिली साधु संगंकु तेजी तरुणी तनया तनुकु दिवार जनी हेजी तुम्भ नाम कहू जानिबी प्रभु जगु जीवन प्रकृति मोते भूलाइला सुधार साप्यान पतित पावन बानासी जहु सुनिली तुरा दिन च्युत जे कहई तेणु भरसा मोर दुजन लोकंकु डरही पिठी पाता ना दे निरेख होई पड़ी अच्छी भव सागरे मुही तुम्हें जेबे कृपा करिबा मते थीबा बोनी कृतांत काकी सा करिबा बोध सड़ाई पांडवंकु तुम्हे रखिला कि काले गुरुपति जहांकु तुम्हे जे रखिबा भणी दीनाच्युति जहांकु तुम्हे जे रखिबा भणी दीनाच्युति तुम्हार भृत्या के होइब गोष्ठी मंडले कहा से मते तुम्भ समकच्छ हृदय किंतु न बह तुम्भ सेवा कहू जानिबी तुम्भ भक्तंक सेवा सेवारे सीमा न जानिन हुड़ी बोइली अबा त्रिवश्च अंकित इमाने जेउ चरण नीति जहि पद्मजुनी भूलंती भणी दीन अच्युति जहि पद्मजुनी भूलंती भणी दीन अच्युति माया जाल टोपे पड़िली दिगन दिशे कूल भ्राता बंधु के सकरिबे मते नोहिला स्थल रखिले रखा जगन्नाथ आउ नाही रखंता तुम्भे न रखिले भासिली सुनी हुआ चिंता श्रीवस्त्र बोली का द्विज हृदय माइला नाता तुम्भे रुष्ट होई हसिला तुम्भ महिमानता राजुसी सभा जज्ञ साड़ी बेता धारी खुंटिया भृत्यकुन रूपति करा प्रभु एडे हटिया व्याध जाम्बीळ गणिका तांकु देला सुगति तुम्हे जी पति ता पावन भणी दीनाच्युति तुम्भ छामुरे जणाउछि गुरु संदेह कथा कि गुरु के शिष्य हुअंता कहीं मुंडांती मथा अभिवेक होई रहिली सुनी हेली चकिता दिवार जानी गुरु थाई शांति नहिला चित्ता के देवता के हु भक्ता के कहाकु पूजिला के भोग राग कराउछि के उ गोटा भुंजिला कि जति के साती के पति क्यों गोटा बिरसा कि कला तही द्वंद बाद क्यों गोटा हरसा किनर कुंजर तुरंग कि कही रे आश्रम कि अंगे चंदन लिपंती क्यों पिंड दहना छपना कोटि जीव जंतु सर्व घटे एकत्व लीला निमन्ते नानाकार भणी दीनाच्युत
गीता भागवत पुराण चारि वेद पूछिली तो बिनु मते गति नाही तीर्थ व्रत लोड़िली गुरु सबद कृष्ण ब्रह्मा ज्ञान कहिले कर्ण सता शांति दया क्षमा को हेतु चैतन्य मन इहा पर लोके बोलंती गता पर चेतनु त्रिगुण अघति मिरी की संथा दर्शन भानु कमड़ के सार दल रे लीला करे भ्रमर शून्य रे ज्योति उर्मी ज्योति शून्य चुंबी के सर छपन कोटि जीव जंतु तिथि सकोटि देव कहे अच्युत विष्णु भक्ता जार बासना थिबा कहे अच्युत विष्णु भक्ता जार बासना थिबा न जाने मु जनाऊि हे मणु थे सब दीवार जनी तीड़े तीड़े मोर हृदय जीव थाऊ थाऊ शरण प्रभु मा गाई तत्ते प्राण प्रयास समय को भ्रम लगला मत क्यों बरस क्यों मास केते बेड़े मृत्यु कहूँ जाई कहीं रहिला मोर नोहिला हेतु ज्येष्ठ शुकल एकादशी सिदिन को मो आशा अभय चरण मागही मोर एही भरसा चितुत्पला नदी उत्तरे ग्राम लिम्बाल स्थान से स्थानी देह रहिब मोर एही ध्यान छपना कोटि जीव जंतु जही करिच जात तुम्भ भृत्यार भृत्य मुहि भणी दीन अच्युत तुम्भ भृत्यार भृत्य मुहि भणी दीन अच्युत इति श्री अच्युतानंदम विरचितम अष्टगुजरी संपूर्णम।